उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में गुरुवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में दो कार सवार युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक रुद्रपुर के मटकोटा मोड़ पर देर रात एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े वाहन से टकरा गई, जिसके चलते कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि दिनेशपुर निवासी युवक किसी मरीज को रक्तदान करने अस्पताल गया था। वहीं देर रात जब वो घर के लिए वापस निकला, तो वापस जाते समय उनकी कार दिनेशपुर मोड़ पर सड़क किनारे खड़े एक वाहन से टकरा गई, जिसमें दिनेशपुर निवासी गोपाल मलिक और सोनू सरकार की मौत हो गई, जबकि दीपक ढाली गंभीर रूप से घायल है। घायल दीपक ढाली को उपचार के लिए हल्द्वानी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मृतकों के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने अब पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। दिनेशपुर में हुई दो युवकों की मौत से पूरे गांव में शोक की लहर है। उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाओं के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हादसों की वजह से सैकड़ों की संख्या में लोगों की जान जा रही है। राज्य सरकार लगातार इन हादसों को कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोशिश नाकाफी साबित हो रही है। हादसों का मुख्य कारण तेज वाहन चलाना और रैश ड्राइविंग सामने आ रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए उधम सिंह नगर से निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।